तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो जिस चीज का आपको था इंतजार की प्रॉब्लम आ रही थी, 48 मेगापिक्सल पे आपको जूम नहीं मिल रहा था, एक नई अपडेट आ चुकी है। इसी अपडेट के बारे में वीडियो है, न्यू अपडेट आई है रिसेंटली, और इस अपडेट से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो M30S में आपको आ रही थी एंड्रो 10 के अपडेट के बाद वो दूर हो जाएंगी। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, पूरे डिटेल में बताऊंगा क्या क्या अपडेट्स में नई चीज़ें आई हैं जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स थी मोस्ट ऑफ देम आई थिंक अब ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पर लाते हैं हम ड्रोन्स रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो हम यूज़ करते हैं। टेक में आता सब कुछ, गैजेट्स, ऑडियो प्रोडक्ट्स, फोन्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग विच आई यूज़, आई शेयर माई एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि 48 मेगापिक्सल के कैमरे को जो हम ऑप्शन ऑन करते थे, पिछले वीडियो मैंने बताया था, जिसने नहीं देखा वो कार्ड पे क्लिक कर सकता है कैसे इसको ऑन करना है। फोटो ऑप्शन में 48 मेगापिक्सल का आप कैमरा इसका यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ़ोटो बड़ी खींचती है। उसमें इन्होंने जूम ऑप्शन को गायब कर दिया था और इवन फ्लैश को भी हटा दिया था, लेकिन अब नई अपडेट के बाद वो दोनों चीज़ें ऑन हो गई हैं। आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ, बने रहे वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ फोकस करें एंड कैमरा फोकस हो गया। यहाँ से हम जाएंगे कैमरे में, कैमरे से हम जाएंगे फोटो के अंदर, फोटो के अंदर यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो फर्स्ट एक 3:4 है और उसके बाद जो ऑप्शन है 48 मेगापिक्सल वाली वो चूज़ करनी है। और आप देख सकते हैं आप कि इसमें मैंने वो चूज़ की हुई है, यहाँ से आपको पता लग जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं इसमें जूम फीचर जो नहीं था, ये देखिए ये जूम फीचर आ चुका है। ये देखिए 1.6x और ये फ़ोन को जूम कर रहा है तो 48 मेगापिक्सल में, और आपकी फ्लैश भी ऑन हो गई है। और अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि फ्लैश ऑन होगी, ये देखिए फ्लैश ने भी काम किया। तो सबसे बड़ी डिमांड इसी चीज़ की थी इस फ़ोन में कि हमें वो ऑप्शन चाहिए, और मैंने भी लिखा था पर्सनली और एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर पहले। तो हमारे अलावा भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने ये रिपोर्ट किया हो और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये नई अपडेट आई है। तो इस अपडेट से पहली प्रॉब्लम 48 मेगापिक्सल का जो प्रॉब्लम था कैमरे की वो दूर हो चुकी है, नंबर एक। नंबर टू, कई लोग कह रहे थे हैंग हो रहा है फ़ोन बार बार, अपने आप स्विच ऑफ ऑन हो जाता है, वो प्रॉब्लम की भी इन्होंने इस अपडेट के बाद वो जो बग था कि इसमें मैंने एक सोल्यूशन दिया था कि अगर आप सेफ मोड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सेफ मोड में चेक करें, कोई ऐप तो प्रॉब्लम नहीं कर रही। उसके बावजूद भी कोई अगर लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी अपने आप ऑन ऑफ या हैंग हो रहा था, तो इस अपडेट को ज़रूर करें, इस अपडेट के बाद आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएगी। और नंबर दो पॉइंट पे ये हैंगिंग वाली ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम दूर हो गई। नंबर तीन पे प्रॉब्लम आ गया, आप काफ़ियों की रिपोर्ट हो रही है चार्जिंग वाली कि फ़ोन चार्ज नहीं होता है, वो मैंने आपको सोल्यूशन बताए हुए हैं, वही सोल्यूशन आपको फॉलो करना पड़ेंगे। चार्जिंग पोर्ट को देखें, वायर को देखें, अडेप्टर को देखें, ये सब कुछ देखने के बाद भी ठीक से चार्ज नहीं होता, सेफ मोड में चार्ज करें उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो ये अपडेट को करें, इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तब आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। तो इस अपडेट से काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स हमें पहले पता थी तो वो मैंने उसका आपको सोल्यूशन बता दिया है। अब मैं इसमें इसको दो तीन दिन यूज़ करूँगा और अगर कोई नया फीचर आया है इसके अंदर जो काफ़ी यूज़फुल है और मैंने आपको अभी तक नहीं बताया तो वो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा। और मेरे दोस्त जिनके पास M30S ऑलरेडी है और उनको कोई नया फीचर इसमें दिखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन शेयर हम कर सकें इस मीडियम के थ्रू। और किस किस को ये प्रॉब्लम लग रही थी 48 मेगापिक्सल की, वैसे पर्सनली मैं तो इसको प्रॉब्लम नहीं मानता था बट स्टिल काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि 48 मेगापिक्सल के ऊपर आपको जूम ऑप्शन मिले, तो वो अब सैमसंग ने सुन लिया बात और आपको वो प्रोवाइड करवा दिया है। होप आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जल्दी से जाइए और ये नई अपडेट जो आ गई है उसको अपने फ़ोन में डालिए। और अपडेट करते समय ध्यान रखें 100% बैटरी होनी चाहिए, चार्जिंग पर लगा होना चाहिए फ़ोन, और हो सके तो वाईफाई पर ही इसको डाउनलोड करें। ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपका सेफली फ़ोन अपडेट हो जाएगा। और ये था आज का वीडियो, होगा आपको पसंद आया होगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसको अपडेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकला या नहीं।
और एक बात और मुझे बताएं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ नॉर्ड के बारे में, जिसने नहीं देखा वीडियो मैंने कल डाला था और ये अपडेट आज मैंने किया है तो तभी मैंने फटाफट आज वीडियो डाल दिया है। तो नॉर्ड के बारे में बताएं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इसके मतलब मुकाबले का फ़ोन बताएं, तो नॉर्ड इज़ द फ़ोन जो इस सेट को टक्कर दे सकता है, बशर्ते कि वो प्राइस पॉइंटिंग प्राइसिंग का बहुत उसमें झोल है। अगर प्राइसिंग उन्होंने 20 से ऊपर कर दी तब इसको फिर वो नहीं हरा पाएगा। अगर इसके आसपास प्राइसिंग हुई तो डेफिनेटली इसको टक्कर देने वाला है फ़ोन, और हो सकता है आपको यहाँ पर रिटेल पैकिंग की डेफिनेटली अनबॉक्सिंग देखने को मिले और सारे फीचर्स मैं एक्सप्लोर करूँगा उसके, क्योंकि पर्सनली मुझे भी लग रहा है उस फ़ोन में दम कंपेयर टू दिस वन। सो लेट्स सी, क्योंकि सबसे बढ़िया फीचर उसमें मुझे लगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो मैं देखना चाहता हूँ हाउ इट वर्क्स इन द एंड्रॉयड, दैट इज़ अ न्यू थिंग। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपने रिस्पॉन्स और डिस्कशन जो मैं पूछता हूँ ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।